अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अच्छा जी, आज की जो लुक है वो हमने क्रिएट करनी है, ये लुक यानी कि शहंदी लुक। ठीक है जी, तो ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी स्किन को अच्छी तरह प्रेप कर लेंगे फॉर मेकअप। ठीक हो गया जी, यहाँ पे मैं अपनी डेली स्किन केयर रूटीन करी, जो आप करते हैं आपने वो करनी है। ठीक हो गया जी, सबसे पहले मैंने लगाया रोज़ वाटर, उसके बाद मैंने लगाया एलोवेरा जेल, और फिर मैं लगा लूँगी कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो आपके पास मॉइस्चराइज़र है। ठीक हो गया जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, अपनी नेक को बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है, नेक को याद रखना है, अपने दिलो दिमाग में रखना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने प्राइमर लेना है, ठीक है, उसको अच्छी तरह अपने फिंगर्स में रब करना है ताकि वो थोड़ा सा हीट अप हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम उसको अपने फेस पे अच्छी तरह अप्लाई कर लेंगे, नोज़, टी जोन अराउंड आइज़ और अच्छा नोज़ अराउंड टी जोन, नोज़ और अराउंड आइज़। ठीक हो गया जी, अच्छी तरह हम अपना अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मैं कंटूरिंग पहले कर रही हूँ, ठीक है, ताकि वो थोड़ा बैलेंस हो जाए। कंटूरिंग के बाद बेस, बेस के बाद फिर हम लोग करेंगे, क्यों बताऊँ पहले मैं, अच्छा सबसे पहले हम कंटूरिंग करेंगे। ठीक हो गया जी, अच्छी तरह अपनी नोज़ की, फोरहेड की, चिन की और अराउंड फेस। ठीक हो गया जी, मतलब जो लाइन, अच्छी तरह हम शेप बना लेंगे पहले, ठीक है, और फिर उसको करेंगे ब्लेंड, ठीक है, इसको हम करेंगे अच्छी तरह ब्लेंड। अगर आपने शहंदी और वलीमे का व्लॉग नहीं देखा तो लास्ट में देख लीजिएगा, क्योंकि 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 कुछ भी नहीं, बस एम ही देख लीजिएगा, ठीक है यानी। अच्छा, यहाँ पे जब तक इसकी ब्लेंडिंग हो रही है ना, मैं आपको एक बात बता दूँ कि ना आपने अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी पिक्चर्स के लिए ना इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो करना है। ठीक हो गया जी, अच्छा यहाँ पे हम लोग इसकी अच्छी तरह कर लेंगे ब्लेंडिंग, ठीक है जी। चलो यार, कितनी लंबी ब्लेंडिंग है, थक गया मैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने कर ली ब्लेंडिंग, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने स्किन अपने फेस पे मार लेंगे अपना मिस्ट, ठीक है, मेकअप फिक्सर। उसके बाद हम लोग करेंगे बेस अप्लाई, ठीक है, दिन का फंक्शन था इसलिए मैंने लाइटली सा बिल्कुल अपनी बेस अप्लाई की थी, ठीक है, इस तरह, ठीक है, और इसको कर देंगे। इसके बाद हम अच्छी तरह ब्लेंड, अच्छा मैं ब्यूटी ब्लेंडर जो है ना वो वेट यूज़ करते हैं, अगर आपकी स्किन ऑयली है ना तो आपने लाजमी वेट ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करना है। ठीक हो गया जी, इसकी हम अच्छी तरह कर लेंगे ब्लेंडिंग, ठीक है जी, ब्लेंडिंग होगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम अपनी क्या करेंगे, तुम्हें तो चीज़ें नहीं मिलती। अच्छा जी, ये हम लोगों ने अपने बेस को कर लिया ब्लेंड, अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास कंसीलर था वो था पाउडर फॉर्म है, ठीक है, तो अब मैं उसको अच्छी तरह अप्लाई करूँगी अंडर आइज पे, पिंपल्स पे, नोज़ पे, चिन पे, ठीक है जी, इसको हम कर देंगे अच्छी तरह अप्लाई। यहाँ पे मेरा लेंस हिल गया था, ये हमने कर दिया अच्छी तरह अप्लाई। इसके बाद क्या करेंगे, अपना लेंगे आई शेडो पैलेट, ठीक है, सबसे पहले मैंने स्किन कलर का अपनी पूरी आईलेट पे मेक शेडो अप्लाई कर दिया था, ठीक है, स्किन कलर का था, यहाँ पे ना थोड़ा उसका कलर चेंज आ गया, पता नहीं क्यों पिक्चर में ऐसा आया, लेकिन ना ये स्किन कलर का था, ठीक है, अच्छी तरह पूरे मैंने इसको अपनी आईलेट पे लगा लिया। उसके बाद ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन था, ठीक है, और इसको मैंने बिल्कुल अपने आई के कॉर्नर पे अप्लाई कर दिया, ठीक है जी, बिल्कुल जो लास्ट आई का पार्ट होता है ना, बिल्कुल लास्ट वहाँ पे, ठीक है, ये उसके ऊपर मैंने उससे थोड़ा सा डार्क शेड ओढ़ लिया और अच्छी तरह लास्ट पे अप्लाई कर दिया,
ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रही थी, ठीक है। अब ये मैंने ब्लैक शेड लिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा चमकीला चमकीला था, क्या है चमकीला, हाँ चमकीला चमकीला था, ठीक है, ग्लिटरी था। तो इस पे को मैंने अच्छी तरह अपनी आईज पे, सिर्फ जिसको कहते हैं ना कट क्रीज देती है ना, ये हाफ आई लिड पे लगा दिया अच्छी तरह, ठीक है जी। और अभी मैं ब्राउन शेड को उसके साथ मर्ज कर रही हूँ ताकि कोई क्रीज लाइन ना बने। और ये हमारा आई शेडो तैयार। मैं थोड़ा सा उसको अपने फिंगर से अप्लाई करी थी ताकि थोड़ा सा ब्लैक कलर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, ठीक है जी। ये मैंने अच्छी तरह उसको अप्लाई कर दी। यहाँ पे मैं अबू को कहते हैं, वो बस मुझे 5 मिनट दे दे, मैं तैयार हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने बिल्कुल हल्का सा विंग लाइनर लगाया था, बिल्कुल लास्ट से छोटा सा विंग था, ये देखे बिल्कुल इतना सा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा विंग नहीं मैंने लगाया था क्योंकि मॉर्निंग का फंक्शन था, रात मॉर्निंग की थी, शेंदी टाइप था, इसलिए मैंने बिल्कुल हल्का सा विंग निकाल लिया, ठीक है जी। यहाँ पे मैं उसको लगा रही हूँ, लेवल कर रही हूँ दूसरे आई के साथ। अरे अरे सब ठीक हो गया जी। चलो कितना लंबा है यार, ठीक है जी। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, इसके बाद मैं अपनी आई लैशेज लगा रही हूँ, ठीक है। अच्छी तरह इसको अप्लाई कर देंगे, ये दूसरी आई पे अप्लाई कर रहे हैं। ये मैं ग्लू को लेवल कर रही थी इधर उधर जाके। आई आई ठीक है जी, ये हमने अप्लाई कर दिया इसको दूसरी आईज पे, ठीक हो गया जी। ये हमारा आई का मेकअप हो गया था डन कंप्लीट बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले सेट तो कर लें इसको, ठीक है जी। ये थी बिल्कुल आईज की सिंपल आईज लुक, ठीक है। ये अब मैंने ब्राउन ब्लैक शेड लिया, ठीक है, फ्लैट ब्लैक शेड लिया फ्लैट ब्रश पे और उसको अच्छी तरह नीचे आईज पे अप्लाई कर दिया, ठीक हो गया जी। ठीक है, लिप बाम अप्लाई किया, उसके बाद मैंने क्या किया, अपनी आईब्रोज को थोड़ा थोड़ा सिर्फ स्पॉन्जी के साथ ब्रश किया और इसके आराम बिल्कुल लास्ट पे ना आईब्रो बोन पे मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर दिया, ठीक है। आपका जो फेवरेट हाइलाइटर है आपने वो अप्लाई करना है। इसके बाद मैं फेस पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, क्रिस्टाइन का फेस पाउडर था और इसको मैंने अपने फेस पे अच्छी तरह अप्लाई कर दिया। उसके बाद ये मैं कंटूरिंग कर रही हूँ हल्की हल्की, ठीक है जी। ओ सॉरी, ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। फिर कंटूरिंग पहले की और ब्रॉन्जर बाद में की, ठीक है जी। इसको मैंने अच्छी तरह ब्रॉन्ज कर लिया है अपने फेस को। ठीक है जी, ये मैं ब्लशन अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। मैंने पीच पिंक पिंक शेड लिया था ब्लशन का मिस रोज़ की पैलेट से और उसको अच्छी तरह अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। नोज़ पे भी और ये हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। जो मैंने मेहंदी लुक में हाइलाइटर यूज़ किया था ना, वही हाइलाइटर मैंने यहाँ पे चारों को मिक्स करके यूज़ किया, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं अपनी रेड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, मिस रोज़ की रेड लिपस्टिक है, ठीक है। इससे पहले मैं आउटलाइन बनाऊंगी और उसके बाद बीच में फिल कर दूँगी, ठीक हो गया जी। लव्स ही नहीं निकल रहे हाथ, ठीक
ठीक है, ये मैंने इसको अच्छी तरह लिप्स में फिल कर दिया और ये मैं एक दफ़ा मेकअप फिक्सर मारूंगी और ये टंटना हम रेडी। ये अच्छा, बालों को मैंने स्ट्रेट नहीं किया था, बाल सिंपल ही मेरे ऐसे थे और बस उसके बाद मैंने इयररिंग्स पहने और टंटना बेल्ट पहनी।